हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा साइकोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और आज की वीडियो की एक खास बात यह है कि आज मैंने आपको जो भी बताने का प्रयास किया है उसको एक ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और इससे पहले भी मैं साइकोलॉजी के ऐसे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि ट्रिक के द्वारा मैंने बताए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उनको ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए, आपने भी पढ़ा होगा पहले कि मैककरी तथा कोस्टा के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो जो मैककरी और कोस्टा ने 1985 में जो व्यक्तित्व का अध्ययन किया था उसमें केवल 5 शील गुणों के आयामों पर अध्ययन किया, ओके। और जिसको बिग फाइव कहा गया, क्या बोला गया, बिग फाइव। तो अब मेन बात यह है कि वो 5 शील गुण कौन कौन से हैं, हमें वो याद करना है। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल आपको याद करना है ओसन। क्या याद करना है? ओसन, ये आसानी से याद हो जाएगा, यानी OCEAN। यहाँ पे जो ये 5 वर्ड लिखे हुए हैं इनका सबका अलग अलग मतलब है। तो यही जो 5 वर्ड हैं यही बिग फाइव को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं पहला ओ का मतलब क्या है। ओ का मतलब क्या है? ओपननेस, यानी खुलापन। तो ध्यान रखिए, यानी इस तरह के जो सील गुड वाले व्यक्ति होते हैं कैसे होते हैं, अपने काम के प्रति ओरिजिनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, है ना। उनमें नए आइडियाज़ की भरमार होती है, किसी नई चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। तो इस तरह से ये ओपन वाला हो गया, यानी ओपननेस। दूसरा लिखा हुआ है सी, तो कॉन्शियसनेस, यानी कर्तव्य निष्ठता। तो इस तरह के जो सील कोड वाले लोग होते हैं वो कैसे अपने काम में पंक्चुअल होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, रेगुलर होते हैं। तो इस तरह से होता है कर्तव्य निष्ठता। दूसरा आया ई, एक्स्ट्रावर्जन। तो ये बहिर्मुखता, आप भी जानते होंगे ऐसे लोग बिल्कुल आउटगोइंग पर्सनालिटी के होते हैं, बहुत ही टाकेटिव, बातूनी होते हैं, सोशली होती है, समाज में उनकी थोड़ी पैठ होती है, बोलते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ को, ओके, समाज में रह के। और इसके बाद जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसका मतलब लिखा है एग्रीएबलनेस, यानी सहमति जनता। तो इसके मतलब, इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो सील गोड़ वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं, विश्वास करने लायक होते हैं, दयालु होते हैं, है ना, और बहुत ही आसानी से लोगों से अपना व्यवहार बनाते हैं। तो इस तरह के सील गुड़ वाले व्यक्ति हैं एग्रीएबलनेस में। लास्ट लिखा है एन, यानी न्यूरोटिसिज्म, यानी स्नायु विकृति। तो इस तरह के जो सील गुड़ वाले व्यक्ति होते हैं ये बहुत ही व्याकुल रहते हैं, बहुत ही जल्दी झुंझला जाते हैं, यानी इरिटेटिव होते हैं और मूडी टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो फ्रेंड्स, OCEAN के माध्यम से आपको ओपननेस, कॉन्शियसनेस और एक्स्ट्रोवर्जन और यहाँ पे एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म याद करना है। अगर आप इस तरह से सीधे याद करते तो भूलने के चांस होते हैं, लेकिन अगर आप ओसन को याद कर लेंगे तो इसके बाद नहीं भूलेंगे, ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पे छोटी सी बात और जानते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है NEOPIR। तो ध्यान रखना कि इन जो 5 आयाम जो बताए गए हैं इनका अध्ययन या सॉरी इनका मापन करने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण भी किया गया, क्वेश्चनार का निर्माण किया, किन्होंने, मैककरी तथा कोस्टा ने किया। तो पहले इसका नाम NEOPI था लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया, इसलिए इसमें R और ऐड कर दिया गया, ओके फ्रेंड्स। इस तरीके से आप चीज़ों को सीखिए, आप ट्रिक अपने आप खुद से बना सकते हैं। जब भी आप कोई पॉइंट पढ़ा करें तो सोचें कि किस तरीके से आप अपने माध्यम से ट्रिक को बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो मैंने ट्रिक बनाई हो या किसी और ने ट्रिक बनाई हो वो आपके लिए थोड़ा समझने में मुश्किल हो, लेकिन फिर भी समझ में आ जाती है क्योंकि ट्रिक बहुत इजीली बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा सा एक्रोनिम्स का यूज़ करके सीखना है ताकि आप चीज़ों को आसानी से सीख सकें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा फ्राइड के बारे में। देखिए, मैंने फ्राइड को पूरा डिफाइन किया है, आप प्ले लिस्ट में जाके पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आपने सुना होगा या फिर आपने पढ़ा होगा कि फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया, यानी थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेज होती है इनका एक सर्टेन ऑर्डर होता है, यानी एक ये निश्चित क्रम में होती हैं। जैसे पहला आपकी मुखावस्था ओरल स्टेज, दूसरी गुदावस्था एनल स्टेज, लिंग प्रधान अवस्था फैलिक स्टेज, अव्यक्त अवस्था लेटेंसी स्टेज और जनेन्द्रीय अवस्था जेनेटल स्टेज। तो देखिए, इसको भी अगर आप ऑर्डर में याद नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा कि जैसे अगर मैं बोलूं ओ, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ओ, क्या लिखा है,
ओरल स्टेज का ओ, एनल स्टेज का ए, फैलिक स्टेज का पी और लेटेंसी स्टेज का एल, जेनिटल स्टेज का जी, यानी शुरू के जो फर्स्ट वर्ड है उनको लेना है। तो देखो बोला ओ ए, यानी ओए पागल, यानी इसकी जो ट्रिक बन रही है क्या बन रही है, ओए ओए पागल, मैंने क्या बोला ओए पागल, यानी होता ना ऐसे डेली लाइफ में किसी बोलते ओए पागल है ना, तो ओ ए पागल इतना तो याद रहेगा, कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन बस आपको इतना करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन वाली बात है, एग्जाम वाली बात है, कहीं पे बताना हो तो ओए पागल में आप एल को पहले कर देना और जी को बाद में कर देना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कभी नहीं भूलने वाले। इस तरह से आप साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की पांचों स्टेज को याद कर सकते हैं। और प्लीज अगर इस तरह से वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, ओके। इसके बाद देखो फ्रायड के बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं। फ्रायड के द्वारा तीन प्रकार की चिंता बताई गई थी। फ्रेंड्स मैंने ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए पॉइंट आउट किया है क्योंकि ऐसा एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है इसके बारे में, ओके। तो ध्यान रखना फ्रायड ने तीन प्रकार की चिंता बताई थी, वास्तविक चिंता यानी रियलिस्टिक एंजाइटी, तंत्रिका तापी चिंता न्यूरोटिक एंजाइटी एंड नैतिक चिंता जिसको हम मोरल एंजाइटी कहते हैं। मैंने इनके बारे में पूरा डिफाइन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ स्प्रेंगर के बारे में, यानी जो स्प्रेंगर ने अपनी किताब यानी जिसका नाम था टाइप्स ऑफ मैन, ओके। टाइप्स ऑफ मैन में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के छह प्रकार बतलाए थे। कितने प्रकार बतलाए थे, छह। तो इसके बारे में जानते हैं कि छह प्रकार कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे याद रखना है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए बनता है कि स्प्रेंगर्स बुक यानी स्प्रेंगर की किताब का नाम टाइप्स ऑफ मैन है, इसको भी याद रखिए। अब देखते हैं कि इन्होंने जो छह प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं उनको देखते हैं और इनको याद करने का तरीका। देखिए इन्होंने छह प्रकार बताए हैं। पहला क्या है, सैद्धांतिक प्रकार यानी थ्योरेटिकल टाइप। दूसरा आर्थिक प्रकार, इकोनॉमिक टाइप। सामाजिक प्रकार, सोशल टाइप। राजनीतिक प्रकार, पॉलिटिकल टाइप। सौंदर्य परक प्रकार, एस्थेटिक टाइप। एंड धार्मिक प्रकार, रिलीजियस टाइप। तो फ्रेंड्स देखो थोड़ा सा सबको डिफाइन कर देता हूँ। सैद्धांतिक प्रकार यानी थ्योरेटिकल टाइप के लोग सच्चाई में बहुत कम विश्वास रखते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, एक जो संसार है उसको थ्योरेटिकल यानी एक रेशनल वे में, तार्किक वे में संसार को मानते हैं, यानी अपनी बात को या अपने काम को एक थ्योरेटिकल सिद्धांतवादी लोग होते हैं, उस तरह पे जीते हैं, अपना काम करते हैं। आर्थिक प्रकार के जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब केवल वैसे काम करते हैं जिनमें कुछ इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी फायदा होता हो आर्थिक टाइप का। और सामाजिक प्रकार के लोग इस तरह के लोग होते हैं जो कि मतलब दूसरों की मदद करना चाहते हैं, समाज में घुल मिल के रहना चाहते हों। और राजनीतिक प्रकार के लोग वैसे होते हैं कि जिनमें शक्ति का एक पावर के महत्वाकांक्षी होते हैं कि उनमें पावर हो यानी लोगों में थोड़ा सा अपना वर्चस्व बनाए रखे है ना। सौंदर्य परक ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो वस्तुओं के उत्तम आकार यानी उनमें अत्यधिक सौंदर्य पर चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। और धार्मिक प्रकार के लोग धर्म से संबंधित यानी क्या करते हैं, जो एकता पर अधिक बल डालते हैं तथा ऐसे पूरे ब्रह्मांड के साथ या संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से देखो छह प्रकार हो गए हैं। तो ये छह प्रकार हैं। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि जैसे इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है या कौन कौन से प्रकार हैं, ऐसे कुछ भी बना के पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पे ट्रिक जिसके माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जो जैसे थ्योरेटिकल का टी लेना है, इकोनॉमिक टाइप का ई लेना है और सोशल का एस लेना है और पॉलिटिकल का पी लेना है और यहाँ पे एस्थेटिक का ए लेना है और रिलीजियस का आर लेना है। तो ध्यान रखना है आपको कि आप इसको ऐसे याद करेंगे, स्प्रेंगर टेस्ट पार यानी ये देखिए टी हो गया, ये आपका टी में एक ही मात्रा है, इसके बाद ई हो गया, ये एस हो गया, इसके बाद पी हो गया, इसके बाद ए हो गया और आर हो गया। देखो तीन तीन छः पूरे कितने हो गए, पूरे छह टाइप हो गए ना। तो याद रखेंगे पहला टी का मतलब थ्योरेटिकल टाइप, ई का मतलब इकोनॉमिक टाइप, एस का मतलब सोशल टाइप, पी का मतलब पॉलिटिकल टाइप और ए का मतलब एस्थेटिक टाइप और आर का मतलब रिलीजियस टाइप। तो स्प्रेंगर टेस्ट पार, तो यहाँ पे देखो जो स्प्रेंगर लिखा है, तो आप इसको याद करने के लिए स्प्रेंगर को एक काम करिए, क्या बोलिए, स्प्रेंगर कह दीजिए, स्प्रेंगर यानी स्प्रेंगर को अगर स्प्रेंगर बोलेंगे और इस ट्रिक को टेस्ट पार बोलेंगे, स्प्रेंगर टेस्ट पार, स्प्रेंगर टेस्ट पार।
मतलब कि अगर स्प्रेंगर का मतलब स्प्रेंगर से है और टेस्ट पार्ट टू ट्रिक है TESPAR, इसको इंग्लिश में भी आप याद कर लीजिए TESPAR। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप 100% इसको याद कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस तरह से मैंने और भी वीडियो अपलोड की हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिए और मैं इस तरह से और भी वीडियो आप तक सेंड करता रहूँगा। तो आप बस वीडियो देखते रहिए, अपनी स्टडी को बढ़ाते रहिए। ओके फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।